अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इस वक्त सामने आके हैं पॉन्ड्स के फेस वॉशेस। ये दो डिफरेंट पैकिंग में हैं, और लेकिन दोनों फेस वॉश जो हैं वो पॉन्ड्स के ही हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, जिन आप लोगों में से जिसने भी इसको यूज़ किया है उनको पता होगा कि ये वाली जो पैकिंग है ना, ये पुरानी है। ये पहले होती थी पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, और ये पैकिंग नई है। सो बस इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये नई पैकिंग का फेस वॉश है और पॉन्ड्स का, और ये पुरानी पैकिंग है। अच्छा जनाब, इसका रिव्यू बहुत सिंपल सा है। इसकी पहले मैं आपको प्राइसिंग और इसका वेट वगैरह ये सब चीज़ें बता देती हूँ। ये जो दोनों फेस वॉशेस हैं, इन दोनों का जो वेट है, इस वाले का वेट 50 ग्राम्स है। ये बड़ा प्रोमिनेंट सा लिखा हुआ है, और जो दूसरा है आई थिंक इसका भी इतना ही होना चाहिए, बट इसमें लिखा नहीं है। बट खैर, इसमें जो है ना वो मेंशन हुआ है 50 ग्राम्स है, इसका वेट साइड पर लिखा हुआ है। और ये तो दोनों 50 ग्राम्स हैं। दोनों का जो यूज़ है ना वो सेम है, लेकिन इसकी खुशबू सेम है। इसकी जब पैकिंग जो पैकेजिंग है वो चेंज हुई है। ये इस पर प्राइस मेंशन है यहाँ पे 170 रुपीज़, 170 रुपये का 50 ग्राम वाला जो ट्यूब है फेस वॉश का पॉन्ड्स का, वो 170 का ये मैंने लिया था पहले, और ये अभी लिया है नया, ये भी 170 रुपीज़ का ही है। सो और जहाँ तक यूज़ की बात है, इनकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल बिल्कुल सेम है दोनों की। दोनों का जो यूज़ है वो बिल्कुल सेम है। उसका जो टेक्सचर है, उसका जो फील है, वो बिल्कुल वैसा ही है इस नए वाले का भी, जैसा कि पहले वाला था। सो आई गेस इसका जो है वो सिर्फ पैकेजिंग का डिफरेंस है। अच्छा, इसको जो इसमें लिखा हुआ है वो यही है कि ये आपकी डेड सेल्स को रिमूव करता है, जो ऊपर क्लियर आ जाती है आपकी डर्ट की वजह से, ऑयल की इम्प्योरिटीज़ की वजह से, जो आपकी स्किन डल हो जाती है उसको अच्छा करने के लिए ये बहुत अच्छा है। फेस वॉशेज नॉर्मली स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, ये फेस वॉश जो पॉन्ड्स का है, इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये ड्राई नहीं करता स्किन को, और मतलब बहुत ड्राई नहीं करता। जैसे अभी एक्सट्रीम सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ये फेस वॉश करें या इवन फेस वॉश ना भी करें, आप सिर्फ पानी से ही मुंह धो लें, तो आपको स्किन जो है वो एकदम से ड्राई फील होती है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। लेकिन वैसे मैं जनरल बात कर रही हूँ कि कंपैरेटिवली ये पॉन्ड्स का जो फेस वॉश है ये वाला, ये आपकी स्किन को बड़ा अच्छा कर देता है। फेयरनेस की जहाँ तक बात है, तो आई वुड से नो, मतलब आई डाउट अबाउट इट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इससे एकदम से फेयरनेस हो जाती है। ये पूरी ट्यूब खाली है। आई वॉज अबाउट टू डिस्कार्ड इट, बट देन आई थॉट कि मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बना के इन दोनों के साथ मैं आपको इसका प्राइजेज और इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। सो ये लाइक यूज़ में जो है वो दोनों सेम है, और इससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। अच्छा, इसका जो टेक्स्चर है ना, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ये जैसे नॉर्मली फेस वॉश होते हैं वो झाग वाला और साबुन वाला, ये जैसे हम शैम्पू लगाते हैं उस तरह का झाग झाग वाला सीन, वैसा कुछ नहीं है। लाइक ये जो अगर आप देखें ना इसको, अगर ये बड़ा, ये देखने में ना बिल्कुल क्रीम की तरह लगेगा, जैसे पॉन्ड्स की अगर आपने क्रीम यूज़ की हो ना, तो ये देखने में भी वैसे लगता है, और ये बड़ा वो फॉमी सा टेक्स्चर आता है। लाइक अगर हम थोड़ा सा इसमें पानी भी लगा लेना, ये मैं आपको पानी लगा के दिखाती हूँ, तो जब इसको हम लाइक वॉश करते हैं ना, ये देखें, तो ये फॉमी से टेक्सचर है, कोई बहुत बबल्स नहीं बनते या झाग जैसे होते हैं ना नॉर्मली हम कोई साबुन या फिर और दूसरे फेस वॉशेज यूज़ करते हैं। तो ये आई गेस इस वजह से कि ये थोड़ा सा माइल्ड है, और ये आपकी स्किन को एकदम से ड्राई आउट नहीं करता। तो अभी मैं इसको साफ़ कर लूँगी, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको दिखाया था कि किस तरह का, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, बड़ी सॉफ्ट सी खुशबू है इसकी, और फील अच्छा है, ये साफ़ कर दिया मैंने। तो ये अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में काफ़ी लाइक अच्छा लगता है इसको, आपको फेस इससे वॉश करें। वाइटनिंग का आप इतना एक्सपेक्ट ना करें इससे, लेकिन ये है कि जैसे जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, या फिर जिनकी स्किन पे एकदम से कुछ नया यूज़ करने से एक्ने हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना लोगों के साथ, तो इस फेस वॉश के साथ आई कैन गारंटी यू कि कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे, होपफुली। क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है कि अगर मैं कुछ अलग यूज़ कर लूँ तो फ़ौरन एक्ने हो जाती है या कुछ मसला हो जाता है। लेकिन इस फेस वॉश की बस एक अच्छी बात यह है कि इसको लगाने के बाद ना एक्ने नहीं होती, या फिर कोई ड्राई आउट नहीं होती स्किन, या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसे इस तरह का नहीं है कि कोई हार्श किस्म के इसमें केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को नुकसान देंगे। तो यस फ्रॉम मी, ये अच्छा है फेस वॉश, और इसकी नई पैकिंग है, ये पुरानी है, दैट्स इट, कुछ डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज प्राइस भी सेम है, दिस इज़ गुड थिंग, मतलब नई पैकिंग करके नॉर्मली प्राइजेज ऊपर हो जाते हैं। ये एक महीना पहले मैंने लिया था, देखिए उस वक्त था थोड़ा सा, तो मैंने ये मुझे नज़र आया था, तो मैंने ये ले लिया था। आई डोंट नो जिस तरह हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि अभी भी ये 170 का है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपने ये यूज़ किया है तो इसका आपका रिजल्ट आपको कैसा लगा है, आपको यूज़ में कैसा लगा है, और अगर इसके अलावा जो ओपिनियन है आपकी कुछ, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ वो शेयर करें।